भाजपा के समर्थन पर उड़ने वाले एकनाथ शिंदे ने अचानक ही 24 घंटे के अंदर अपने बयान से पलटी मार दी है। वो एकनाथ शिंदे जो कल तक उद्धव सरकार को मिटा देने, शिवसेना का अस्तित्व खत्म कर देने और उद्धव सरकार से सत्ता छीन लेने की बातें कर रहे थे, सब कुछ तोड़ देने की बातें कर रहे थे, वही एकनाथ शिंदे अब आज अपने उस बयान से पलट गए हैं जिसमें उन्होंने कहा था कि एक बड़ा राष्ट्रीय दल यानी कि एक नेशनल पार्टी देश की उन्हें समर्थन दे रहा है, वो जो कुछ कर रहे हैं उनके साथ खड़ा है, उनके विधायकों के समूह को समर्थन दे रहा है। एकनाथ शिंदे ने इशारा करते हुए कहा था कि एक राष्ट्रीय पार्टी है, उन्होंने मुझे कहा है कि मैंने जो निर्णय लिया है वो काफ़ी ऐतिहासिक है और जब भी मुझे उनकी आवश्यकता होगी, ज़रूरत होगी, वो हमारा साथ देने के लिए मौजूद है। लेकिन इस दावे के एक दिन बाद ही एकनाथ शिंदे अपने बयान से पलट गए और आज उन्होंने कहा कि कोई भी राष्ट्रीय पार्टी उनके संपर्क में नहीं है, जिससे सुनने वाले भी चौंक गए। और अब इस बयान से पलटते हुए, अपनी साख बचाते हुए, अपने बयानों पर लीपापोती करते हुए अचानक ही एकनाथ शिंदे ने बाला साहब ठाकरे और दिवंगत शिवसेना नेता आनंद दिघे की याद दिला डाली और अपने पिछले बयान पर लीपापोती करते हुए ये कहने लगे कि जब मैंने कहा कि कोई बड़ी शक्ति हमारा समर्थन कर रही है तो मेरा मतलब था कि बाला साहब ठाकरे और दिवंगत शिवसेना नेता आनंद दिघे की शक्ति हमारे ऊपर मौजूद है। और इसी के साथ राष्ट्रीय पार्टी के सपोर्ट वाले बयान से एकनाथ शिंदे सीधे सीधे पलट गए, यूटर्न ले लिया। जबकि शिंदे का बयान कल तला कुछ और ही था, उन्होंने एक दिन पहले ही ये दावा किया था कि राष्ट्रीय पार्टी का समर्थन उन्हें हासिल है और उन्होंने अपने उस पूरे बयान में नेशनल पार्टी का ही जिक्र किया था, ना कि किसी राष्ट्रीय पार्टी के नेता का, किसी बड़े नेता का। उन्होंने दावे के साथ ये कहा था कि एक शक्तिशाली राष्ट्रीय पार्टी का समर्थन उनके विधायकों के समूह के साथ है, ना कि किसी नेता का। शिवसेना के बागी नेता एकनाथ शिंदे ने महाराष्ट्र के सियासी गलियारों में दिन पहले अपने इस बयान से खलबली मचा दी थी। अब उन्होंने अपने उस बयान से इस तरीके से यूटर्न ले लिया है। एकनाथ शिंदे अब ये कह रहे हैं कि हमारे संपर्क में कोई भी राष्ट्रीय दल नहीं है, जबकि शिंदे कल तक ये कह रहे थे कि जिनका समर्थन उन्हें हासिल है। उन्होंने शिंदे साहब को ये कहा था कि जो निर्णय शिंदे ने लिया है उद्धव सरकार और शिवसेना से बगावत करने का, वो काफी ऐतिहासिक है और जब भी जरूरत होगी शिंदे के साथ वो मौजूद रहेंगे, उनके विधायकों के साथ मौजूद रहेंगे। अब इस बयान से यूटर्न लेते हुए अब इसी राष्ट्रीय पार्टी को वो बाला साहेब और दिवंगत शिवसेना नेता आनंद दिघे के मत्थे मढ़ रहे हैं। तब तो आज शिंदे को ये भी बताना चाहिए था कि ये बातें और समर्थन इन नेताओं ने शिंदे को सपने में आकर के कहा था या सामने आकर। खैर, एकनाथ शिंदे का ये यूटर्न बता रहा है कि शिंदे को अंदर ही अंदर कोई बड़ा झटका लगा है। अब ये झटका भाजपा के तरफ से मिला है या फिर कुछ और, इस पे फिलहाल अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन शिंदे के इस बयान को सुनकर ये जरूर कहा जा रहा है कि ये कयास जरूर लगने लगे हैं कि कहीं एकनाथ शिंदे आने वाले समय में अपने बयान की ही तरह अपने पूरे फैसले से भी यूटर्न ना ले ले, पलटी ना मार ले। सियासी गलियारों में कयासों का दौर एकदम से गर्म है। कल तक शिंदे के तेवर को देखकर ये कहा जा रहा था कि शिंदे बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश कर सकते हैं, वो शिवसेना को तोड़ सकते हैं। वहीं अब इस बयान के बाद ये कहा जा रहा है कि शिंदे कहीं उद्धव के शक्ति प्रदर्शन के सामने झुक सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द VPN TV।